रोल। नमस्कार, मैं कर्नल रवि प्रकाश, रिटायर्ड आर्मी से हूँ और जालबाग राइफल क्लब का प्रेसिडेंट हूँ पिछले 4 साल से। कर्नल जी, आज यहाँ पर किस तरह का प्रोग्राम रखा गया? हर साल हम फायरिंग कंपटीशन रखते हैं और जिसमें हम हमारे करीब 1,250 लाइफ मेंबर हैं और हर साल 20 से 40 वर्ष के जो युवा होते हैं उनको हम टेम्प्रेरी मेंबरशिप देते हैं। इस साल हमने 39 टेम्प्रेरी मेंबर एनरोल किए थे और 10 लाइफ मेंबर, टोटल 49 मेंबर्स ने फायरिंग में पार्टिसिपेट किया। हीट हमने दिसंबर में किया था और आज फायरिंग का फाइनल कॉम्पिटिशन। पिछले कितने सालों से ये कॉम्पिटिशन होता आ रहा है? 63 में हमारा राइफल क्लब बना था, आज 54वां वो है। बीच में कुछ साल कभी किसी वजह से गैप पड़ गया था, अदरवाइज ये 54 हमारा एनुअल फंक्शन है। तो ये जो आपका राइफल कंपटीशन होता है इसमें विनर्स भी घोषित होते हैं, उनको क्या प्राइज दिया जाता है? हम दयालबाग प्रोडक्ट्स उनको प्राइज पारितोषिक के तौर पे देते हैं और जो लेडीज जेंट्स में 50 गज और 25 गज में दोनों मिला के जो फर्स्ट होता है उसको एक शील्ड देते हैं। ठीक, वो रोटेटिंग शील्ड होता है, एक साल तक के लिए वो रिटेन करते हैं फिर अगले साल वो रोटेट। ठीक, अपना परिचय बताएं। मैं स्वामी दयाल सिंह, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और पिछले 40 साल से यहाँ सत्संग सभा में काम कर रहा हूँ और पिछले 20-22 साल से इस राइफल क्लब का सचिव की तरह काम कर। किस तरह का प्रोग्राम रखा गया है, क्या है? ये हमारा एक एनुअल शूटिंग कंपटीशन होता है जिसमें यहाँ के जो लाइफ मेंबर हैं और 20 से 40 साल के जवान जो पिछले दिनों में ट्रेनिंग दी जाती है उसके बाद उनके कंपटीशन कराए जाते हैं और फाइनल शूटिंग आज उनके होती है, इसमें उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल कितने प्रतिभागियों ने यहाँ पर आप पार्टिसिपेट किया है? इस वक्त 3 बैच ने करा जो सिलेक्शन में हुए हैं, जो 18 प्रतिभागी, एक राउंड में 6 लोग चलाते हैं तो 18 लोगों ने, इसके अंदर एक लेडीज़ का ग्रुप था, एक यंग मैन का, एक जो पुराने हमारे चैंपियंस हैं उनमें आपस में कंपटीशन है। ग्रुप में कितने फायर का चांस दिया जाता है बच्चों? 5 राउंड दिए जाते हैं, 5 राउंड। तो विनर की किस हिसाब से पड़ी जाती है, कितने फायर सही लग रहे थे जो विनर घोषित होता है? वो हाईएस्ट स्कोर जिसका आएगा टारगेट पे वो 40 तक जाता है। आप अभी स्कोर बोर्ड देखेंगे तो उसमें सबके अलग अलग स्कोर्स दिए हुए। और इसके अलावा भी कुछ प्रतियोगिता हैं जैसे कि इनको राउंड द ईयर हम ट्रेनिंग देते रहते हैं, साथ में ये रेंज क्योंकि 1963 का रजिस्टर्ड है हमारा क्लब, तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी में एनसीसी के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को भी यहाँ पर ट्रेनिंग का मौका मिलता रहता है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।